और आपका आलम में अब यहाँ से आगे बारी है मुख्य अतिथि जन को सम्मानित करेंगे कमेटी अध्यक्ष अपने हाथों से जोरदार तालियों से स्वागत करें राजकुमारी कार्यक्रम के लिए कि हमारे कमेटी अध्यक्ष ने उनको सम्मानित किया सचिव आफ्ताब आलम के हाथों जनाब मुखिया प्रत्याशी जनाब प्रसाद भिलाई अब्दुल सुभान साहब को सम्मानित किया जाएगा जोरदार तालियों से स्वागत है यहाँ पे इस टूर्नामेंट के कमेंटेटर लाल मोहम्मद के द्वारा जनाब डॉक्टर कमाल साहब को सम्मानित किया जाएगा जोरदार तालियों से स्वागत करें और यहाँ से आगे सभी को बनाते हुए जनाब जनाब शाम बाबू आपके हाथों से कमेटी अध्यक्ष आपके हाथों से जनाब अबुल कलाम साहब जनाब मोहम्मद की जिफियत को सम्मानित किया जाएगा आप सभी दर्शकों को स्वागत करें अब हमारे मुख्य अतिथि के द्वारा कमेटी के अध्यक्ष महोदय को सम्मानित किया जाएगा तो जनाब अब्दुल सुभान साहब के हाथों से सम्मानित किया जाएगा जोरदार तालियों से स्वागत है यहाँ से आगे कहीं तो बची आफ्ताब आलम को सम्मानित किया जाएगा आप जोरदार तालियों से स्वागत है यहाँ से कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अंपायर अनिल कुमार को सम्मानित करेंगे जनाब बहरवा की जफरिये जनाब अबुल कलाम साहब के हाथों से सम्मानित किया जाएगा और दूसरे अंपायर बधाई बाबू को सम्मानित किया जाएगा साहब के हाथों से नजारे बाबू जो आज के एम्पायर थे फाइनल के उनके डॉक्टर कमाल साहब के हाथों से उनको सम्मानित किया जा रहा है जोरदार तालियों से स्वागत है अब यहाँ के लाल मोहम्मद को अरमान आलम ग्राम पंचायत भेलानी दसवीं के समिति प्रत्याशी रहे भाई अरमान आलम के हाथों से सम्मानित किया जाएगा राजकुमार साहब के हाथों से लाल मोहम्मद को ट्रॉफी से सम्मानित किया जाएगा जोरदार तालियों से स्वागत है सुहैल अख्तर जो कि देसी अनाज न्यूज के प्रमुख राइटर भी है आज के इस पूरे मैच का आपको रिकॉर्डिंग के माध्यम से देखने को मिलेगा दूसरी हमारे न्यूज पर उनके प्रमुख राइटर और आज के टूर्नामेंट के सारे मैच में कमेंट्री कर रहे थे सुहैल अख्तर को सम्मानित करेंगे जनाब अब्दुल सुभान साहब के हाथों से ट्रॉफी से सम्मानित किया जाएगा जोरदार तालियों से स्वागत है
अब यहाँ से आगे बाली है अच्छा आलम स्कूलर जो पूरे टूर्नामेंट का लेकर लेखा जोखा अपने हाथों में रखते हैं स्कूलर साहब को सम्मानित करेंगे जनाब नसीरुद्दीन साहब पूर्व चेयरमैन प्रत्याशी ग्राम पंचायत भिलाई करेंगे और हमको सम्मानित करने के लिए जो कमेटी की तरफ से नाम आया है जनाब नसीरुद्दीन साहब का तो हमारे बड़े भाई पूर्व चेयरमैन प्रत्याशी जनाब नसीरुद्दीन साहब चावल को सम्मानित करेंगे हम लोग तो आज के कमेंटेटर शमसे आजम को बलंग पंचायत के पूर्व चेयरमैन प्रत्याशी नसीरुद्दीन साहब के द्वारा सम्मानित किया जा रहा है जोरदार तालियों से स्वागत करें किया जाता है सबसे बेहतर खेलने वाले अच्छी खेल का प्रदर्शन दिखाने वाले जोरदार तालियों से दर्शक स्वागत है दोस्तों का आज के मैन ऑफ द मैच दिलखुश को सम्मानित करेंगे क्या आज मैच में तो क्या ऐसा आपको लगा था कि आज के इस मैच का आप हीरो बन पाएंगे दर्शकों को सुनाए हमेशा मतलब मुझे हमेशा लगता है कि मैं हर एक मैच में अच्छा खेल कर मतलब अपने टीम को अच्छे से जिताऊं मुझे पता था कि मैं अच्छा खेलूंगा किस तरह का खुशी हो रही है आपके पापा भी मौजूद रहते हैं जब आप मैच खेलते हैं तो आपको क्या किस तरह का फील महसूस होता है मेरे पापा जब मेरा मैच देखते हैं तो मुझे बहुत खुशी मिलती है बहुत ज़्यादा तो बहुत शुक्रिया आप इस मैच के मैन ऑफ द मैच रहे तालियों के साथ स्वागत करें आज के मैन ऑफ द मैच दिलखुश को सम्मानित किया जा रहा है उनके फादर डॉक्टर मोहम्मद कलाम कमाल के द्वारा बेहतरीन से फोटो क्लिक करें पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा आज ये साबित होता हुआ यहाँ पे सीधे दिलखुश के लिए और यहाँ पे आगे आप टीम के खिलाड़ी अभिषेक कुमार जिनको सम्मानित करेंगे हमारे पूर्व चेयरमैन प्रत्याशी जनाब नसीरुद्दीन साहब के हाथों से इस टूर्नामेंट के हीरो स्वागत है मन ऑफ द सीरीज से सम्मानित करते हुए अभिषेक को इस मेहमानी क्रिकेट क्लब के फाइनल मुकाबला में प्रत्येक मैचों में इन्होंने शानदार प्रदर्शन किया जिसके बदौलत आज इनको मेहमानी क्रिकेट क्लब के फाइनल में मन ऑफ द सीरीज घोषित किया गया अभिषेक के लिए जोरदार तालियों से स्वागत करें बेस्ट ऑफ लक अभिषेक भाई फाइनल प्रवेश की और आज बारी बड़े भाई और छोटे भाई होने की साहब के हाथों से सम्मानित किया जाएगा ट्रॉफी से राणा जी के कैप्टन खालिद सैफुल्ला आपको हाथों से जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे जोरदार तालियों से स्वागत करें ये राणा जी के कैप्टन खालिद सैफुल्ला कहा के अपने सभी खिलाड़ियों मैं यहाँ पे आया हूँ सभी दर्शकों का अपने तरफ से धन्यवाद करना चाहता हूँ आज सभी कंपनी को जिन्होंने अपना कीमती समय निकाल कर हम लोग को क्रिकेट का खिलाया और पूरी तरह से अच्छे तरह से क्रिकेट खेला उसके लिए पूरे उनको धन्यवाद देता हूँ और रही बात रेटिंग के तो मैं शुरुआत में जिस तरह से बाजी की थी उसके लास्ट तक नहीं हो पाया लास्ट में कुछ थोड़ा सा रन कम बना इसके वजह से हम लोग अपने ज़्यादा लक्ष्य खाने का पर जो बाजी की हमसे अच्छा खेल पाए अलग अलग बहुत ही अच्छा चार बाजू के